हेलो गाइस, मैं हूं अजय एंड आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मुंबई के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस के बारे में। तो आइए हम लोग मुंबई के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया को भारत का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई शहर के दक्षिण तटीय समुद्री तट पर स्थित एक इमारत है जो कि मुंबई के घूमने वाले जगहों में सबसे अच्छी जगह है। इसका निर्माण 1911 में मुंबई के उस समय के ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज प्रथम और महारानी मैरी के प्रथम भारत आगमन के याद में बनाया गया था। नंबर 2, श्री सिद्धि विनायक मंदिर। यह मुंबई की सबसे फेमस जगहों में से एक है। यह भगवान गणेश जी को यह मंदिर समर्पित है। भगवान गणेश को सिद्धि विनायक के रूप में जाना जाता है, इसलिए इस मंदिर को श्री सिद्धि विनायक मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर 200 साल से भी अधिक पुराना मंदिर है। नंबर 3, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। इसका निर्माण 11 नवंबर 1905 को प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा कराई गई थी। यह मुंबई की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यह एक बेसिकली म्यूजियम है जिसमें 50,000 से अधिक प्रदर्शनी चीज़ों को रखा गया है, जिसमें हमारे देश की प्राचीन चीज़ों के साथ साथ विदेश की चीज़ों को भी रखा गया है। नंबर 4, ग्लोबल विपासना पगोड़ा। यह एक प्रसिद्ध विपासना है जो कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को फैलाने के लिए मुंबई में बनाया गया है। इसमें कुल 3 गुम्बद है। इसका निर्माण सन 2000 में स्टार्ट हुआ था तथा 2006 में जो इसका सबसे बड़ा गुम्बद है वो बनकर तैयार हो गया था। इसमें गौतम बुद्ध के अस्थि के अवशेष रखे गए हैं। नंबर 5, हाजी अली दरगाह। यह मुंबई की वन ऑफ द बेस्ट जगहों में से एक है। यह एक दरगाह और मस्जिद है पीर हाजी अली साहब बुखारी की। इस दरगाह की स्थापना सन 1631 में हुई थी। हाजी अली दरगाह में बहुत सारे बॉलीवुड मूवी की शूटिंग भी हो चुकी है। नंबर 6, एलिफेंटा कैव। यह एक प्राचीन गुफा है जिसका निर्माण पहाड़ों को काटकर किया गया है। यह गुफा मुंबई के समीन ओमान के समुद्र में एक द्वीप पर स्थित है। इसमें भगवान शिव और देवी पार्वती की अर्धनारीश्वर प्रतिमा है। एलिफेंटा कैव का निर्माण जो है 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। इस गुफा में हिंदू, बौद्ध एवं जैन तीनों धर्म से जुड़ी हुई प्रतिमाएं जो है यहाँ पर रखी गई हैं। नंबर 7, संजय गांधी नेशनल पार्क। यह मुंबई के बेस्ट जगहों में से एक है। इस पार्क में आपको बहुत सारे पशु पक्षी देखने को मिलते हैं। इस पार्क के समीप में 200 साल पुरानी कान्हेरी गुफाएं देखने को मिलती हैं जो कि 104 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। अगर इस पार्क के टाइमिंग की बात करें तो यह 7 बजे सुबह खुल जाती है तथा शाम को 6:30 बजे यह पार्क बंद हो जाता है। नंबर 8, कान्हेरी केव। कान्हेरी गुफाओं का निर्माण मौर्यों कुष्ण सम्राटों के शासनकाल के दौरान कराए गए थे। कान्हेरी गुफाओं को 26 मई 2009 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। इन गुफाओं का निर्माण आज से 2000 साल पहले हो गया था। अगर इन गुफाओं की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक जो है ये खुली रहती हैं। कान्हेरी गुफाएं संजय गांधी नेशनल पार्क के 7 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अगर इसकी टिकट प्राइस की बात करें तो आपको 5 रुपये पर पर्सन पड़ता है। नंबर 9, एसएल वर्ल्ड। यह एक मनोरंजन पार्क है जो कि मुंबई के गोराई में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। एसएल वर्ल्ड में पार्क, वाटर किंगर एंड अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जो 64 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ। एक्सेल वर्ल्ड भारत का सबसे बड़ा मनोरंजन थीम पार्क है। नंबर 10, बांद्रा वर्ली सी लिंक। मुंबई में वाद्रा और वर्ली को मिलाने वाले एक ब्रिज है जो कि भारत का सबसे लंबा ब्रिज, जिसकी लंबाई 5.6 किलोमीटर है। इसका निर्माण 1999 में शुरू हुआ था। इसको बनाने में 1600 करोड़ रुपए का जो खर्च आया था। यह मुंबई की सबसे बेस्ट जगहों में से एक है। यदि आप कहीं मुंबई जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। तो आई होप गाइस आप सभी को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।